सर आज के दिन सरकार मजबूत चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, कोई किसी के मन में संशय नहीं है। जहाँ पार्टियों के तौर पे बात है, दोनों पार्टियां अपना अपना काम कर रही है और मुझे लगता है हर संगठन की जिम्मेवारी भी है कि वो अपने लेवल पर काम करे। जेजीपी के विधायक जो है सर, जो नाराज जो मिल रहे हैं सर, भाजपा के नेता ज्यादातर उनका सुल्तान यही है कि जेजीपी के साथ लोकसभा में गठबंधन नहीं करेंगे। ये फैसला जिनने करना है उनने करना है। सर लोकसभा स्तर पर भी रैलियां शुरू की गई हैं। अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लास्ट विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर रैलियां करी जाएगी। इसके अंदर पहली रैली 2 तारीख को सोनीपत लोकसभा की जुलाना में, उसके बाद बची 9 लोकसभा की चुनाव होंगे। सर उसको क्या कहेंगे? आपको कैमरा पकड़े मेरे सामने 3.5 साल हो गए जी, कभी इसके सिवाय कोई बयान आपने किसी का सुना है कि गठबंधन टूटेगा, गठबंधन टूटेगा? जब 3.5 महीने गठबंधन को हुए थे जब लोग इसको तुड़वाने लगे जी, और ये मैं बोल सकता हूँ आज तक कोई मतभेद मनभेद गवर्नमेंट की वर्किंग में नहीं है। जिस दिन होगा उस दिन तो शायद आपको भी पूछने की जरूरत नहीं होगी। सकल कांग्रेस विधायकों की लगातार नाराजगी जो है देखने को मिल रही है, मीटिंग हुई है, भाजपा दल की बैठक शुरुआत है। ये शुरुआत हर लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब UNPA बनी थी उस समय भी मेरे को भी मौका मिला था कई बैठकों में जाने। कितने दिन ये इकट्ठे रह सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज तक के इतिहास में अगर इतना यूनाइटेड ऑपोजिशन कभी हुआ तो केवल मात्र चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हुआ, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बना। आज तक उसके बाद इतना बड़ा ऑपोजिशन एकत्रित नहीं हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि अभी तो शुरुआत है। इसको आज हम आके और कहे कि बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत चेयरमैन पद से रिजाइन दिया था, उसके बारे में चौटाला जी से हमने चर्चा भी करी थी, और क्योंकि जो इनकी बात थी 6,000 रुपये से ऊपर सूरजमुखी खरीदी जाए, आज सरकार ने उसको पूरा किया। 5,050 ने लास्ट खरीदा है, 1,000 रुपये भवंतर भरपाई योजना के तहत 6,050 रुपये आज के दिन सूरजमुखी का रेट हरियाणा सरकार प्रक्योर कर कर दी, और उसके अंदर मुझे लगता है डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश हमने वो इस्तीफा उसी दिन इनको वापस सौंप दिया। इनने अपने क्षेत्र की मांग रखी और मुझे लगता है एज एन कॉन्स्टिट्यूएंट या एज एन MLA इनकी नैतिक जिम्मेवारी थी कि ये अपने क्षेत्र में जिसमें सबसे ज़्यादा 28,000 मेट्रिक टन सूरजमुखी होती है उसके किसानों की लड़ाई, ये तो पिछले साल भी लेके आए थे मेरे पास जब इनके परचेज बंद हो गए थे, फिर हमने स्पेशल 7 दिन की परचेज करी थी। तो मुझे लगता है ये बहादुरता के साथ साथ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की लड़ाई का तरीका भी। तो आप मानने कि नहीं मानने उप मुख्यमंत्री जी इस चीज इनके इस्तीफे को लेकर? मैं तो वापस दे दिया अभी सर, जेजीपी विधायक लगातार रैली दे देते आ रहे हैं, काम करने की जरूरत ना पड़ती सर। रामनिवास के द्वारा भी एक ट्वीट जो है, पार्टी ने नोटिस दे रखे, पार्टी विरोधी गतिविधि निशांत सिंह जी ने कई बार उसको बात कर, तो जिस तरह से सर उनका आरोप भी है कि उनके जो पोस्टर अभी फाड़े गए हैं तो कहीं लगे छोटी चीज तेरे लेवल सत्य सटीक बेबाक।